हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। टुडे वी विल डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी, जो कि आपके पास ये गिवन है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन अप टू। तो हमें चेक करना है क्या ये -150 इस एपी सीरीज की कोई टर्म है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, अगर आप इस एपी सीरीज को देखते हैं तो -150 हम सपोज कर लेते हैं कि आगे जाके कोई एक टर्म है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, तो हम इस टर्म को nth टर्म सपोज कर लेते हैं। क्लियर? जैसे ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये a1 होती है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ। तो -150 को हम nth टर्म सपोज कर लेते हैं और हमें चेक करना है क्या जो ये टर्म है वो इस एपी सीरीज में एग्जिस्ट करती है या नहीं। दैट मीन्स हमें n फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, अगर हमें n पॉजिटिव इंटीजर मिल गया तो हम कह देंगे कि ये टर्म इस एपी सीरीज में एग्जिस्ट करती है। अगर हमें n पॉजिटिव नहीं मिला तो हम कह देंगे कि ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। देखते हैं, क्योंकि हमने एपी सीरीज में पढ़ा है कि n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास जो जो गिवन है हम उसे यूज करेंगे। सॉल्यूशन में देखते हैं, हमने ए एन हमारे पास अब हो गया -150। क्लियर? अब हमें एन फाइंड करना है यहाँ पे। और आपके पास क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ से, वो 11 है, और डी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं a2 - a1 करके, वो क्या आएगा आपके पास 8 - 1, दैट मीन्स -3। क्लियर? तो अब आपको ए भी पता है, डी पता है, ए एन जो आपके पास गिवन है उसमें हम फॉर्मूला डालेंगे, वहां पर हम ए और डी की वैल्यू पुट करके हम एन फाइंड करेंगे सबसे पहले। क्लियर? ए यहां पे 11 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, डी की वैल्यू है -3 -150। इसे सॉल्व कर लेते हैं अंदर, ये बन जाएगा -3n + 3 -150। क्लियर? 11 + 3 - 3n = -150, ये बन जाएगा 14 - 3n = -150। और इसे कैसे लिख सकते हैं, -3n = -150 - 14 - 3n = -164। ऐड कर लिया इसे, तो यहां से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा बोथ ऑफ साइड, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 164/3। जब हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यू, तो ये आपके पास डेसिमल में वैल्यू आएगी। करके भी देख लेते हैं, 3 5 15, 3 2 12, 3 6 18, तो ये आपके पास डेसिमल में वैल्यू आई n की। बट इन एपी सीरीज वी नो दैट इन एपी n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, बट यहां पर n आपके पास डेसिमल वैल्यू आ गई, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स हैंस जो ये टर्म है -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज, क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। कोई एक एपी सीरीज है,
हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। कोई एक एपी सीरीज है, हम सपोज कर लेते हैं A1, A2, A3, दिस इज एन एपी सीरीज। इस एपी सीरीज में हमें 31st टर्म फाइंड करनी है सबसे पहले, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। और गिवन क्या है हमारे पास, 11th टर्म आपको गिवन है 38, तो उसे 11 लिखेंगे। एंड 16th टर्म आपके पास गिवन है 73, हमें निकालनी है A31 यानी 31st टर्म निकालनी है। तो 31st टर्म निकालने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, एक तो हमें A पता चल जाए और हमें D मिल जाए, तो हम कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं। तो अब हम जो हमारे पास गिवन है उसे यूज करके यहां से दो इक्वेशन मिलेंगी, यहां से हम A और D फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन 1। और A16 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, क्योंकि हमें AN का फॉर्मूला पता है, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूले को यूज करके हमने A11 को लिख दिया A प्लस 10D और A16 को लिख लिया A प्लस 15D। क्लियर, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 5T इज इक्वल टू माइनस, कितना बनेगा ये, यहां बनेगा 535 माइनस के, तो डी आ गया आपके पास 35/5 यानी 7, ठीक है। डी हमें 7 मिल गया, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम ए भी निकाल सकते हैं। हम ये इक्वेशन लेते हैं, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, यहां पर हम डी की वैल्यू 7 डाल देते हैं और ये आपको ए दे देगा 38 माइनस, ये 70 को उधर ले जाओ, तो ए आपके पास आएगा माइनस 32 आई थिंक, माइनस 32, क्लियर। तो ये आपको मिल गया माइनस 32, तो ए हमें मिला माइनस 32 और डी हमें मिल गया 7, यही दो हमें चाहिए थी वैल्यू। तो हम अब A31 लिख सकते हैं, A31 क्या होता है, A प्लस 30D, क्लियर, यहां पे वैल्यू डाल दो सारी, D आपको मिल गया 7, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 210 में से माइनस 32 निकालेंगे तो क्या आएगा, 178, दिस इज योर आंसर। तो A31 आपको मिल गया 178, क्लियर।